नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी एक व्यूअर है जिनको किडनी में स्टोन है, जिनका कहना है उन्होंने 3 बार दवाई भी ली लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ और मैं उनके लिए कोई वीडियो बनाऊं। बहुत भरोसे के साथ ये वीडियो फॉलो करना और मुझे 100% भरोसा है आपको। जब कहीं से आराम नहीं आया, इस वीडियो में मैं जो आपको चीजें बताने वाली हूं वो आप फॉलो करेंगी तो आपकी किडनी के स्टोन निकल जाएंगे कटकर। साथ ही साथ फ्यूचर में जो टेंडेंसी होती है बार 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 स्टोन बनने की, वो भी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको नुस्खा बताऊंगी, आपको वो नुस्खा यूज करना है, घरेलू नुस्खा है बिल्कुल। दूसरा, मैं आपको कुछ चीजों का परहेज बताऊंगी, वो चीजें आपको अपने खाने में शामिल नहीं करनी है। तीसरा, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो आप जरूर ही अपनी लाइफ में हर रोज करें। और चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा, आप एक स्पेशल चीज है, अगर वो हर रोज अपने खाने में पीने में शामिल करेंगी आप, तो जीवन भर आपको फिर कभी किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, कोई और भी कहीं भी स्टोन होने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले मैं नुस्खे की बात करती हूं। आपको नुस्खे में सिर्फ एक ही चीज लेनी है और वो है कुल्थी। सफेद कुल्थी अगर आपको मिल जाए, जो पहाड़ों में होती है, तो कहने ही क्या। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी अच्छी शॉप पे, जो पंसारी वगैरह होते हैं उनपे तो बहुत आसानी से मिल जाती है कुल्थी। आपको कुल्थी लेनी है 250 ग्राम हर रोज कुल्थी। आप रात को भिगोएंगे, पहले इसको अच्छे से साफ कर लेना, कई बार इसमें कंकड़ पत्थर रह जाते हैं। अगर ये पंसारी वगैरह से लेते हैं तो इतना क्लीन आपको नहीं मिलेगी। तो जैसे सुपरमार्केट्स में दालें वगैरह बड़े क्लीन आती हैं, तो कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह अगर कुछ हो तो साफ कर लेना। तो जब आप इसको साफ कर लोगे, एक पाव यानी 250 ग्राम कुल्थी को आपको 4 लीटर पानी में, पहले तो अच्छे से इसको धो लेना, फिर 4 लीटर पानी में रात को भिगो देना। उसी साफ पानी में जिसमें आपने इसको भिगोया था, सुबह थोड़ा नमक डाल के इसको उबलना रख देना। खुला ही उबालना है, कुकर में नहीं उबालना। आप इसको किसी बर्तन में, एक बार आपका ये पक जाए अच्छे से, खूब उबाल आने लगे, तो इसको धीमी आंच कर देना। 3-4 घंटे लगेंगे आपका जो पानी है, जब 1 लीटर रह जाए। बहुत ध्यान से सुनिए ये बात, वीडियो को स्किप स्किप करके मत देखना, डबल स्पीड पे भी मत देखना, आपकी सेहत का मामला है, बहुत ध्यान से सुनिए। लोग ध्यान से नुस्खे नहीं फॉलो करते, सुनते भी नहीं है, उल्टा सीधा यूज करके बोलेंगे दीदी हमने ये बताया था, हमें तो फायदा ही नहीं हो रहा। कोई भी चीज जब आप कर रहे हो तो पूरे दिल जान से करो और धीमे धीमे जो चीज जैसे बताई जा रही है वैसे ही पकानी है। ऐसा ना हो फुल आंच पे आपने पकाना शुरू कर दिया जी, और उसके बाद आपने जला जलू के पानी 4 लीटर का करके 1 लीटर के जी हो गया, नहीं। बिल्कुल धीमी सिम पे आपकी गैस रहेगी, धीरे 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 पानी जलेगा, तभी कुल्थी का जो सत है वो उस पानी के अंदर आएगा। 4 लीटर पानी जब पक पक के 1 लीटर रह जाए, उसको छान लीजिए। कुल्थी आपको अलग कर देनी है, जो पानी होगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे हम चने उबालते हैं कभी कभी और उसका जो पानी होता है वो थोड़ा गाढ़ापन लिए होता है पानी, तो वो पानी आपको सूप की तरह दिखेगा, उसको आपको छोंकना है। छोंकेंगे आप कैसे, आपको 3 से 4 चम्मच देसी घी लेना है, गाय का हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर आपको गाय का अवेलेबल नहीं है तो ले लीजिए आप भैंस का भी, पर प्रेफर करना आप गाय का घी। 3 से 4 चम्मच देसी घी लोहे की कढ़ाई में डाल दें, लोहे की कढ़ाई चाहिए आपको, लोहे की कढ़ाई में डाल लें। इसके ऊपर आपको डालना है जीरा, फिर जो मैंने आपको नमक बताया था, जिस समय मैंने आपको उबालते वक्त नमक डालने की बात कही थी, वो आपको सेंधा नमक डालना है।
तो सेंधे नमक में आप ये उबालेंगे, मैं पहले बताना आपको मेरे दिमाग से निकल गया था। तो नमकीन पानी ऑलरेडी होगा गर्म, आपका घी हुआ, उसमें आपने जीरा भुना, जीरे के ऊपर आप ये सूप डाल दीजिए। आपकी इच्छा है आप हल्दी डालें या नहीं डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, काली मिर्च आप जरूर डालें। कुल्थी का ये सूप यानी कि छना हुआ पानी जो कि आपने 4 लीटर से पका पका के सिम पे 1 लीटर किया है, बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है, लोग अंधाधुंध फॉलो करते हैं, कैसे भी बस तैयार करो और ले लो, ऐसे नहीं होता। जो चीज जिस तरह बताई जाती है आयुर्वेद में नियम के अनुसार वैसे ही लेनी पड़ती है। अब इसमें काली मिर्च, जीरा और घी के छोंक में आप इसको छोंक दीजिए और दोपहर के खाने में आपको यही लेना है। हर रोज आपको खाना नहीं खाना, दोपहर का जो आपका मील है वो यही सूप रहेगा। इससे जो आपके किडनी के स्टोन है वो तो कट के बाहर आएंगे ही आएंगे, कई बार स्वेलिंग हो जाती है दर्द की वजह से और बहुत भयंकर पेन होता है, उस दर्द में भी आराम आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कितने दिन में निकल जाएंगे। किसी किसी की तो 1 हफ्ते में जो पथरियां हैं वो निकल जाती हैं, लेकिन आपको 1 से 5 हफ्ते तक ये करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 हफ्ते। ये समझ लो कि 1.25 महीने के अंदर अंदर आपके स्टोन आपके किडनी से निकल के बाहर चले जाएंगे। तो ये आपको जो उपाय है बिल्कुल रामबाण उपाय है, कुल्थी इस किडनी के स्टोन के, गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए रामबाण औषधि है, बिल्कुल देसी नुस्खा है ये। तो ये नुस्खा आप यूज कीजिए और आपको 100% गारंटी से आराम आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आपको और नियम फॉलो करने हैं, परहेज क्या क्या करने हैं आपको, जो लसेदार चीजें होती हैं खाने की, जैसे भिंडी, अरवी, राजमा और जिमीकंद, इस तरह की और भी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रही है, जो भी लस लसेदार चीजें हैं वो आपको नहीं खानी। पचने में जो भी भारी है, उड़द टाइप की, ये भी लस लसी होती है, ये भी आपको नहीं खाना। टमाटर बीज निकाल के आप यूज करेंगे, जब हम तड़का बनाते हैं तो अपने खाने में हम टमाटर भी यूज करते हैं, तो आपको बीज अलग निकाल देने हैं वो खाने हैं। आपको भिंडी बिल्कुल नहीं खानी है, वो तो मैंने लस लसी चीजों में आपको बताई दी। आप बैंगन भी नहीं खाएंगे जिनमें बीज होते हैं, जिन बैंगनों में बीज बिल्कुल नहीं होते, वो मोटे गोल वाले होते हैं, भरते वाले, आप वो ले सकते हैं। चावल भी आप बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए जब तक आपकी ये दवाइयां चल रही हैं। पालक भी आप बिल्कुल नहीं लेंगे, पालक आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ये किडनी के स्टोन है, हमारी बॉडी के अंदर जब यूरिक एसिड और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब ये हमारे शरीर में डिपॉजिट्स इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं और वही आगे थिक स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ना डिपॉजिट इकट्ठे हो और कैल्शियम ज्यादा ना इकट्ठा हो, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज हमारी मुंह की सलाइवा है। कई लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह आंख खुलते ही ब्रश करना शुरू कर देते हैं और जितनी भी हमारे मुंह के अंदर बासी लार होती है वो सारी बाहर थूक देते हैं। जीवन में हमेशा एक बात ध्यान से फॉलो करनी चाहिए आपको, जो आपकी बासी लार होती है उसी के साथ आपको पानी अंदर पीना है, एक एक घूंट सिप कर करके, जैसे गर्म उबलती हुई चाय पीते हैं ना, एक एक घूंट, एक घूंट पी, थोड़ी देर मुंह में रखी, लार घुलने दी, फिर पानी अंदर लिया, फिर दूसरा घूंट लिया, लार खूब उसमें मिक्स होने दी, फिर अंदर लिया। अगर आप ये नुस्खा अपने जीवन में अपनाते हैं तो जो हमारी लार है वो बहुत एल्केलाइन है, जो एसिडिक टेंडेंसी है बॉडी को उसको डाउन करती है, बिल्कुल न्यूट्रल कर देती है, तो जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है इसको और ये जो कैल्शियम के डिपॉजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं इनको अपने आप ही घोल लेता है, जो एल्केलाइन है वो इनको न्यूट्रल कर देता है, एसिड को और इसको न्यूट्रल कर देता है, कभी डिपॉजिट्स हमारी बॉडी में इकट्ठा होने ही नहीं पाएंगे, फैट भी इकट्ठा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान अपने आप ही अपने आप को स्लिम ट्रिम कर लेगा सिर्फ पानी पीने का तरीका बदल के। तो जितनी हमारे बॉडी में लार जाएगी, लोगों का क्या है, गिलास लिया मुंह गए इस तरह ऊपर उठाया गड़गड़ गड़गड़ पी लिया, पानी की बॉटल ली ऊपर उठाई गड़गड़ गड़गड़ पी ली,
आराम से तसल्ली से बैठो, ग्लास लो और धीरे 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 एक ग्लास को कई मिनटों में आपको खत्म करना है। इस तरह से पानी पीने की आदत डालिए, तो जितनी लार आपके अंदर जाएगी दिन भर में आपको पानी ऐसे ही पीने की आदत डालनी है। अब आप लोग पूछेंगे कि दिन के लंच में तो हमें सिर्फ और सिर्फ कुल्थी का सूप पीना है, तो क्या शाम को प्रॉपर डिनर कर सकते हैं? बिल्कुल, शाम को प्रॉपर डिनर आप कर सकते हैं, जिनमें आप रोटी कम लेंगे थोड़ी, और चावल तो आपको बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। साथ ही साथ आपको खीरा खूब खाना चाहिए, पेठा बहुत ज्यादा खाना चाहिए, घिया पेठा खीरा, खीरे की सलाद खाइए आप दिन में, आप एक दो खीरे दिन में खा ही लीजिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, जो आपका पीने का पानी है अपना अलग रख लीजिए, दिन में जितना भी आप 2.5-3 लीटर पानी पीते हैं उसमें बारीक बारीक स्लाइस काट के नींबू की, पतली पतली नींबू की स्लाइस काट के उस पानी में डाल के छोड़ दीजिए, और निचोड़नी नहीं है, बगैर निचोड़े जब भी आप पानी लें उसी में से ही छान लीजिए और पानी लेके पी लीजिए। इससे क्या होगा, मॉडरेट जो नींबू का रस है वो ही शामिल होगा, बहुत ज्यादा नींबू का रस भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जब आप वो स्लाइसेस उसमें डाल देंगे, बस थोड़ा 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 उसमें पानी में असर आ जाएगा उनका, और वो पानी आपके लिए बहुत गुणवत्ता वाला है। ये आपकी बॉडी में जो भी डिपॉजिट्स इकट्ठे होते हैं उसको बैलेंस करता है। ये चीजें आपने फॉलो करनी है। अब आते हैं स्पेशल खाने की चीज, जो बहुत स्पेशल खाने की चीज है, अगर आप हमेशा ही खाएंगे तो जीवन में कभी भी आपको किडनी स्टोन, किसी भी किस्म का स्टोन कभी नहीं होने वाला। कुल्थी से तो वो कट के एक बार निकल जाएगा, लेकिन बॉडी की टेंडेंसी होती है बार 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 स्टोन बनते हैं, तो स्टोन फ्यूचर में ना बने उसके लिए एक बहुत ही रामबाण चीज है, वो है बथुआ। बथुए को आप रोटी में मिक्स करके खा सकते हैं, जब तक वो हरा आ रहा है तो उसको काटिए, रोटी में मिक्स कीजिए, या फिर हमारे तरफ गांव में क्या करते थे, बथुए का रायता बना लेते थे। बथुए के पत्तों को धो के बहुत अच्छे से काट लिया और फिर हल्का सा उबाल दे के, थोड़ा कूट पीट के और छाछ में मिला के और उसका रायता बनता था। ज्यादातर हर घर में ये रायता बनता ही था, बथोरी बोलते थे इसको, बड़ा टेस्टी लगता है ये। तो आप बथुए का प्रयोग जैसे भी करना है आपको कीजिए, रोटी में कीजिए, रायते में कीजिए, पराठे में कीजिए, आपको बथुए का प्रयोग हर रोज करना है। जब तक आपको हरा मिलता है आप हरे का प्रयोग कीजिए, और जब सीजन खत्म हो जाए और हरा मिलना बंद हो जाए उस समय के लिए आप बथुए की पत्तियों को सुखा कर रख लीजिए। जैसे आमतौर पे तुलसी की और पुदीने की पत्तियों को सुखा के उनको बारीक चूर्ण बना के रख लिया जाता है, इसी तरह से बथुआ भी यूज होता है। बथुए को सुखा के और उनकी पत्तियों को थोड़ा इस तरह से मसल के बारीक चूर्ण बन जाता है हाथों से ही, उसको रख लीजिए और हर रोज अपनी लस्सी में यानी कि छाछ में मिलाकर खा सकते हैं, रोटी में मिक्स करके, आटे में मिक्स करके रोटी उसकी बना सकते हैं। अगर आप हर रोज बथुआ खाते हैं तो आपके शरीर में कभी जीवन में स्टोन नहीं बनेगा। ये वीडियो आप फॉलो कीजिए, आराम आपको जरूर मिलेगा, ये मेरा भरोसा है और मेरा आपसे वादा भी है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लेना। अगर आपकी कोई समस्या है ब्यूटी से, हेल्थ से रिलेटेड, तो आप जरूर लिखिए मुझे, आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। आपको मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।